कालका शिमला नेशनल हाईवे पर शुक्रवार सुबह कुमारहट्टी के समीप मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 7:45 बजे का है, जब मोटरसाइकिल कुमारहट्टी से धर्मपुर की ओर जा रहा था तो ट्रक धर्मपुर से कुमारहट्टी की ओर आ रहा था। कुमारहट्टी के समीप पहुंचने पर दोनों में टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 22 वर्षीय युवक सुशील कुमार निवासी बड़ोग सड़क पर गिर गया, जिसे स्थानीय लोगों की सहायता से एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर लाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। इसकी पुष्टि ASP सोलन अशोक वर्मा ने की। आज प्रातः पुलिस चौकी डकसाई में सूचना मिली कि फ्लाईओवर कुमारहट्टी में फ्लाईओवर के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ट्रक था जो धर्मपुर की तरफ से आ रहा था और एक बाइक जो थी वो भी धर्मपुर की तरफ से आ रही, तो जो है फ्लाईओवर के नीचे जो पास जो है टकरा गया दोनों। अब जोर की जो है इसकी मतलब काफ़ी आवाज़ आई लोगों ने जब उनको सुना प्रातः, उन्होंने पुलिस को सूचित किया, तो पुलिस ने मौका पर आकर पाया कि दोनों की काफ़ी जोरदार टक्कर हुई थी, जिस कारण जो एक व्यक्ति सुशील जिसका नाम था वो बाइक पे था, बाइक चालक था, और वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी बाद में डेथ हो गई है। उसकी बॉडी को जो है मैंने वो पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं, और ड्राइवर जो ट्रक जो धर्मपुर की तरफ से आ रहा है उसके खिलाफ, उसके चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है और जो है अन्वेषण जारी है। हाँ, ट्रक जो था यही जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह है उन्होंने यही बताया है कि वो तेज़ रफ्तारी में था, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देखिए, अगर लोग तेज़ रफ्तारी से वाहन चलाएंगे तो उनके खिलाफ जो है पहले भी हम समय समय पर कार्रवाई कर रहे हैं, करते रहे हैं, और आइंदा भी जो ओवर स्पीड व्हीकल हैं इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।